टू मायरा एंड मम। आई होप आप सब ठीक हो। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ PP2 UKG बच्चों को हम 2 letter words एंड 3 letter words कैसे करवाएंगे, जो कि UKG का सिलेबस होता है। 3 letter words एंड 2 letter words बच्चों को शुरू करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चों को उनके सारे फोनिक साउंड बखूबी याद हो, जो कि नर्सरी एंड LKG क्लास में प्रैक्टिस करवाया जाता है। अगर बच्चे को उनके फोनिक साउंड्स सीधे से याद नहीं है, अभी भी वो लेटर्स को देख के उनके फोनिक साउंड्स बोल नहीं पा रहे हैं, तो 2 letter words एंड 3 letter words अभी स्टार्ट मत करिए, पहले बच्चे को प्रैक्टिस दे। जब भी आप बच्चों से उनके फोनिक वर्ड्स करवाते हैं, फोनिक साउंड्स करवाते हैं, तो मेक श्योर करिए इसे ऐसे करवाए। ए सेज अह, अ फॉर एप्पल एरो। बी सेज ब, ब फॉर बैट बॉल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। अगर आप ऐसे करवाओगे तो बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा वो लेटर्स को देख के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको डॉट डॉट या कट ऐसे सीवीसी वर्ड्स को सेगमेंट एंड ब्लेंड करवा रहे हो, डायरेक्ट पढ़ेंगे DOT डॉट CUT कट। इस तरीके से वो सेगमेंट एंड ब्लेंड एंड सेगमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे को आदत होगी कि लेटर देख के सिर्फ उसके साउंड्स बोलेंगे, ड ओ ट, ड ओ ट डॉट, तो देखिए कितना आसान है ना। समारा, कैन यू डू दिस? सो बच्चा हमेशा लेटर को देख के उसके फोनिक साउंड्स बोले तो ही वो उसको सेगमेंट एंड ब्लेंड कर सकते हैं। सेगमेंट माने एक लेटर को उसका फोनिक साउंड बताना, और ब्लेंड माने सारे ब्रेक के वर्ड्स को एक साथ लेके उसकी ब्लेंडिंग करना, जो कि बनेगा ख अ ट। ये क अ ट सेगमेंट्स है जो साथ में मिलके ब्लेंडिंग होके बनेंगे कट। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और हम किस तरीके से बच्चों को 2 letter words एंड 3 letter words करते हैं ये हम अभी देखेंगे। वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए मायरा एंड मम को। बच्चों को फर्स्ट उनके VC ब्लेंड्स करवाएंगे, जो कि होता है वाउल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये लेटर हम बच्चों को कैसे प्रैक्टिस कराएंगे? फर्स्ट आप ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए जो घर में आप आसानी से बना सकते हो। उसके बाद दो फ्लैश कार्ड्स को दूरी पे रखिए, बच्चे को इसकी और इसकी फोनिक साउंड बखूबी याद होगी। तो फर्स्ट ये आएगा ए न, डिस्टेंस डिक्रीज करिए ए न, फिर डिस्टेंस डिक्रीज करिए ए न, फिर डिस्टेंस डिक्रीज करिए ए न। अब ये दो लेटर जब साथ में होंगे दे मेक अ साउंड ए न, दे टुगेदर मेक एन। अभी हो गया है ये 2 letter word प्रैक्टिस। 2 letter words को हम 3 letter words में बच्चों को कैसे करवाएंगे? मायरू, दिस इज एन, टू एन इफ यू एड व्हाट इज दिस, या इफ यू एड ख इट विल बिकम ख एन, टुगेदर इट बिकम्स एन। सो एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। ये हो गया हमारा, कैन यू डू दिस अमायरा? ईट, यस। सो ई एंड ट टुगेदर दे मेक अ साउंड इट, टू इट इफ आई एड स इट विल बिकम सिट, यस। तो इस अमायरा, यस। सो इस तरीके से हम बच्चों को उनके फर्स्ट 2 letter words की इंट्रोडक्शंस करवाएंगे। जब बच्चे उनके 2 letter words आराम से सेगमेंट करते हुए ब्लेंड कर पा रहे हैं, तब हम उनको कॉन्सोनेंट पोजिशन पे उनके लेटर्स, दूसरे लेटर्स ऐड करते हुए उनको उनके CVC वर्ड्स करवाएंगे, जो कि हमारा बना था यहाँ पे सिट एंड कैन। लेट्स सी हाउ टू मेक अ VC add family words, और add family words के CVC words होते क्या है? ए
D. Decrease the distance. A. D. A. D. Together they make sound AD. So let's see AD family words. D. A. D. Dad. H. A. D. Had. B. A. D. Bad. M. A. D. Mad. P. A. D. Pad. S. A. D. Sad. L. A. D. Lad. So let's see a few examples. Jaise ki A. Th. Decrease the distance. A. Th. A. Th. Together it makes the sound at. And few at words. Cat. Bat. Mat. With the pictures to the kids to understand easily. So cat. Bat. Mat. K. A. T. Cat. B. A. T. Bat. M. A. T. Mat. ऐसे pictures अगर आप दिखा के करोगे तो बच्चे आसानी से उस वर्ड को समझेंगे, उसे विजुअलाइज करेंगे एंड उसको याद रखेंगे. नेक्स्ट अ ब. डिक्रीज द डिस्टेंस. अ ब. अ ब. टुगेदर दे मेक द साउंड अब. एंड नाउ फ्यू अब फैमिली वर्ड्स. क अ ब. कप. र अ ब. रब. ठ अ ब. ठब. हर बार आप जब भी नए वर्ड्स बच्चों को सिखा रहे हो उनको ऐसे पिक्चर से इंट्रोड्यूस करवाए ताकि उन्हें उसकी मीनिंग समझ हो. आगे जब वो कभी भी पढ़ेंगे तो उसे विजुअलाइज करके वो आसानी से इसको सेगमेंट करते हुए ब्लेंड कर लेंगे. क अ ब. ऐसे ए ग. ए ग. ए ग. एग. नाउ एग फैमिली वर्ड्स. लेग. ल ए ग. लेग. प ए ग. पेग. ब ए ग. बैग. सो जैसे मैं आपको बता रही हूँ बार बार आप बच्चों को ये वर्ड्स की नॉलेज समझाए. जैसे कि पेग है जो होता है क्लोथ पिन. बैग है कुछ भीख मांगना. लेग होता है पैर. ये आप मदर टंग में भी बच्चों को समझा सकते हो ताकि वो इसे आसानी से ग्रैस्प करे. ई थ. ई थ. ई थ. इट. सो देखते हैं कुछ इट फैमिली वर्ड्स. स ई ट. सिट माने बैठना. प ई ट. पिट. पिट माने खड्डा. ल ई ट. लिट. लिट माने कुछ फ्यूम जलता हुआ जैसे कैंडल का लो होता है. ल ई ट. लिट. देखिए अगर आप हर वर्ड को उसकी मीनिंग समझाते हुए बच्चे को कराएंगे तो वो आसानी से इन्हें समझ लेंगे. अभी ओ य. ओ य. ओ य. टुगेदर दे मेक ओय. नाउ लेट्स सी ओय फैमिली वर्ड्स. थ ओ य. टॉय यानि बच्चों का खिलौना. ब ओ य. बॉय माने लड़का. ज ओ य माने खुश होना किसी न्यूज से या किसी थिंग को सेलिब्रेट करना. जॉय फील हैप्पी. सो आसान है ना ऐसे बच्चों को उनके सीवीसी वर्ड्स करवाना. जब बच्चे अपने टू लेटर्स एंड थ्री लेटर वर्ड्स देख रहे हैं समझ रहे हैं आप ऐसे फ्लैश कार्ड्स बनाएं घर पर और उनको फ्लैश कार्ड्स दिखाते हुए इसको पढ़ने के लिए बोले. समायरा कैन यू रीड व्हाट इज दिस. एंड व्हाट इज दिस.
सो आप ये इसे गेम की तरह भी खेल सकते हो, जैसे कि यू आर हाइडिंग दिस एंड आस्किंग द किड टू नो व्हाट इट इज एक्चुअली. समायरा, व्हाट इज दिस? अ कार. यस, यू आर करेक्ट, दिस इज अ कार. दिस ऑल्सो यू कैन हाइड लाइक दिस एंड आस्क द किड. समायरा, व्हाट इज दिस? Exactly. आप इसे वाइस वर्सा भी कर सकते हो, लाइक यू आर हाइडिंग द पिक्चर एंड आस्किंग द किड व्हाट दे सी एंड दे हैव टू रीड इट, लाइक आई एम डूइंग दिस. ये आप ऐसे गेम की तरह खेल सकते हो. बच्चे से आप पूछोगे, समायरा व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी एंड रीड? सी एंड एनर. व्हाट इज दिस? कार. ओके, लेट अस सी, डिड यू से करेक्ट और नॉट? Yes, it is a car. So, बच्चे इसे गेम एंड पजल की तरह भी खेलेंगे, जैसे कि एक और मैं कर रही हूँ. Samara, can you do this? Oh, okay. No, I have the mat. You mean the mouse mat? Yes. Can you see? Yes, you read it very correct. जब भी आप बच्चों से उनके सीवीसी वर्ड्स करवाते हो जो कि एक मीनिंग होता है, फॉर एग्जांपल मैट, कैट, बैट, सैट, ऐसे वर्ड्स बच्चों को आसानी से उनको मालूम होते हैं, दे नो द मीनिंग. फॉर द वर्ड्स लाइक इप फैमिली, जब आप बच्चों से करवाओगे उसमें आएगा सिप, डिप, हिप, हिप, लिप, लिप. अब इसमें बच्चे को ओके टिप. अब इसमें बच्चे को आई गेस लिप का मतलब समझ में आता होगा, और यस ओनली लिप का मतलब समझ में आता होगा. बच्चे ये सिप, डिप, हिप, टिप, इन सब का मतलब उनको नहीं मालूम होगा. तो जब आप उनसे ऐसे वाले सीवीसी वर्ड्स करवाते हो, ऐसे वाले थ्री लेटर्स वर्ड करवाते हो, मेक श्योर करिए कि आप उसको उसका मतलब समझाए. जैसे कि यू आर मेकिंग देम रीड सिप, व्हाट डू यू मीन बाय सिप? आइदर उनको आप एक्शन से समझा सकते हो, लाइक गो टू द किचन एंड हैव अ सिप ऑफ वाटर, मतलब किचन में जाओ, जस्ट टेक अ क्विक सिप ऑफ वाटर, मतलब एक घूट पानी पीना, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिप. डिप मतलब आप किसी चीज में कुछ डिप कर रहे हो, लाइक डिप द बिस्किट इन द टी, इन द मिल्क एंड ड्रिंक. Hip माने ask the kid to keep their hands on their hip and show where is the hip. And what is tip? Tip is the tip of the pencil, the tip of the pen, something which is the sharp edge, something which is on the top, which is the tip. So इस तरीके से first बच्चों को उसका मतलब समझाए आप, उसके बाद वो words की practice करवाए, ताकि वो जाने वो क्या पढ़ रहे हैं. इसी ऐसे ही जस्ट सिप, डिप, हिप, लिप, टिप पढ़ने से उनको समझ में नहीं आएगा कि वो मतलब क्या है. जस्ट दे आर रीडिंग, जस्ट दे आर सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग एंड दे आर रीडिंग, दैट दे विल डू वेल, बट दे शुड ऑल्सो नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट दे आर डूइंग. सो इस तरीके से आप बच्चों को उनके टू लेटर वर्ड्स एंड थ्री लेटर वर्ड्स प्रैक्टिस करवाएं, सारे शॉर्ट वॉवल साउंड्स के, आसानी से सारे लेटर्स उनके सेट हो जाएंगे. दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू मेक द किड अंडरस्टैंड देयर सीवीसी वर्ड्स. सो जब बच्चों के उनके वर्ड्स प्रैक्टिस हो जाते हैं, आप ऐसा क्विक सेशन कर सकते हो जहां पे आप बच्चों को उनके वर्ड देंगे एंड दे हैव टू जस्ट मेक अ क्विक सेंटेंस, व्हाट एवर कम्स टू देयर माइंड वो लोग बोल सकते हैं. जैसे कि आई एम आस्किंग समायरा, समायरा कैट. आई हैव अ पेट कैट. सिप. I drink one sip of water. Leg. My leg is broken. Mat. I sit in on a mat. Very good. So now unka CVC words ke through quick learning sentence session bhi ho gaya hai. Let's see how the kids write CVC words. पहले हम बच्चों से उनकी क्लास वर्क एक्टिविटी करवाएंगे, जहाँ पे विद pictures we will introduce their CVC words. जैसे कि यहाँ पे है zip, z e p zip. बच्चे बिना CVC word देखे ही they can tell the word, that is zip and the next one is top. So picture के through they visualize the word and they say it without even reading it. So ये आसान हो जाता है बच्चों को picture से उनके CVC words बोलने के लिए.
जब उनको पता है ये zip है तो उसको वो ब्लेंड करेंगे z e p zip, ऐसे सेगमेंट करते हुए उसको वो ब्लेंड करेंगे. एंड नेक्स्ट आ गया है टॉप, t o p टॉप. नेक्स्ट पड़ाव में आप बच्चों को जस्ट पिक्चर्स दे सो दैट दे विल सी द पिक्चर्स, एंड बिकॉज यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस हो गई है बच्चों की, जस्ट दे सी द पिक्चर एंड दे विल रीड राइट इट zip एंड टॉप. जब ऐसे तरीके से उनके एक फैमिली वर्ड्स या एक 10 to 8 फैमिली वर्ड्स या सीवीसी वर्ड्स हो जाएंगे, एक क्विक डिक्टेशन ले लीजिए. जैसे मैं यहाँ बताऊंगी समायरा के जैसे क्लास में एक्टिविटीज होते हैं. देखिए अभी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है कप, रब एंड टब. क्लास एक्टिविटी में ये लिखेंगे तो सो दैट उनकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी. उसके बाद कॉप, टैब, पॉट, हट, सॉब, मैट, इस तरीके से दे से दे सी द पिक्चर एंड दे राइट. सो दिस वे वी मेक राइटिंग प्रैक्टिस फॉर द किड्स. और उसके बाद वंस दे आर गुड टू गो वी टेक अ क्विक डिक्टेशन ऑन द वर्ड्स दे हैव लर्न. सो है ना ये एक आसान तरीका बच्चों को रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ सीबीसी वर्ड्स करवाने का. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है. अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए. Have a good day. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye.